हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अंधेरी के लिंक रोड के पास जो कौन का दफ्तर है, जिस बिल्डिंग में मैं वहां पर आया हूं, भाई साहब ये कौन का दफ्तर खुला हुआ है क्या? क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? एक मिनट, एक इधर आएंगे। ये जो कौन का दफ्तर है वो ऑफिस खुला हुआ है? बंद है? कब से बंद है ये? 6 महीने से ऊपर हुआ। कितने महीने से? 6 महीने। लॉकडाउन कब से लगा? लॉकडाउन तो कई महीने हो गए, मार्च से लगा हुआ है। हाँ, तभी से बंद है। तो तब से कोई यहाँ पर अभी तक आया है कि नहीं? नहीं। उसके पहले यहाँ पर जो है किस तरह के लोग आते थे, क्या क्या था जी? ये हमको सब नहीं पता। आप यहाँ कितने महीने से काम कर रहे हैं? मैं 4 महीने से। 4 महीने से? लेकिन यहाँ पर कभी दीपिका पादुकोण या फिर जो है सुशांत, इस तरह के लोग कभी आए हैं? आते होंगे, हमको थोड़ी पता है कौन आता है कौन जाता है। हमको पहचान नहीं रहे, ना चीन रहे, थोड़ी नौकरी पता है। लेकिन लेकिन 2-4 दिनों में कोई कौन का दफ्तर खोलने के लिए, बंद करने के लिए कोई आया हो? नहीं, अभी नहीं आया, 2-4 दिन से नहीं आया। लेकिन इस दौरान कभी कोई आया है? तो ये जो यहाँ पर इस ये जो बिल्डिंग है कॉमर्स सेंटर, जहाँ पर कौन का दफ्तर है, यहाँ पर ये जो गार्ड है, इनका कहना है कि कई महीनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है, ये दफ्तर कौन का यहाँ पर ये बंद है और इस बीच में कोई आया भी नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो कौन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, जो दीपिका पादुकोण से भी जुड़ी हुई है और जो जया साहा से भी जुड़ी है, जिसके चैट में तमाम ड्रग्स डीलिंग के मामले आ रहे हैं और इसमें बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, वो कौन कंपनी यहीं पर है मुंबई के अंधेरी इलाके की लिंक रोड के पास, और अब हो सकता है कि NCB या CBI भी यहाँ पर जाँच करने के लिए कभी भी पहुँच सकती है। ABP News आपको रखे आगे।